नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछु मु शक्ति कलाहंडी सनशाइन पब्लिक स्कूल रा प्रिंसिपल ममिता मेहर अपहरण घटना रा मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू को केमिति खसई दिया गला से खसी गले आपे ना तांको जानी सुनी खसई दिया गला ये प्रश्न आज उठुछि। घटना को 10 दिन बीती गलानी 13 तारीख रे पुलिस मामला रुजु कला 366 दफा लागिला एवं 13 तारीख रु तांको अटक रखा जाइतिला टिटलागढ़ थाना रे ए कथा अभिजोग आसिला किंतु टिटलागढ़ पुलिस बाराक भितरु से फेरार होई गले। एबे पुलिस से कथा कहूची नियम रहिची जणु को अटक रखबार 24 घंटा भितरे गिरफ करी कोर्ट फॉरवर्ड करबाकु पड़िबो। 3 दिन काल अटक रखी कोर्ट करूथला पुलिस पुलिस बाराकरु केमती से फेरार होई गले से आपे फेरार होई गला ना जानी छुड़ी ताकू छाड़ी दिया गला ताकू फेरार कराई दिया गला एबे नाटक करा जाउची। आमे नाकाबंदी करूछु 5टी जिल्ला रे आमे सील करूछु तो आमे आपन को नबाकू चाहिबु से शिक्षयित्री से प्रधान शिक्षयित्री ममिता मेहर तो गाँव को नबाकू चाहिबु। शत्रुपा सामंतराय प्रतिनिधि से जोड़ी होती शत्रुपा ये बड़ प्रश्न उठू घटना को 11 दिन बीती गला किंतु आज पर्यंत मुख्य अभियुक्त को पुलिस धरी पारुनी एवं एक कथा खबर आसूची जितेबले 3 दिन काल रखा जाइतिला गिरफ करा गलानी एबे कहूँ पुलिस खसी गला बोली परिवार लोके कौन प्रतिक्रिया रखुचंती ये घटना रे निहाति भाव रे शक्ति देखंतु तो जेते बेले ममिता मेहर से निखोज घटना सामना को आसीतला सेतळे आमे प्रथमे खबर प्रसारण करथले एवं वर्तमान सबुठारु बड कथा उठुची जो सनशाइन जो स्कूल रहितला जोठी से प्रधान शिक्षयित्री भाव रे काम करथले जोठी अनेक बड़ बड़ नेता बाबू हेलिकॉप्टर माध्यम रे आसीतले जो स्कूल को स्कूल रो बिंधाणी गोविंद साहू को कहुतले ए गोडे जणे भलो व्यक्ति रो परिचय दउथले सीए वर्तमान एवं जिते अभियोग आसला और वर्तमान से खसी पलाई आते बड़े खसी पलाई जिते बड़े टिटलागढ़ थाना खसी पलाई से ही समय इलेक्ट्रिक विद्युत नाला ये सब कौन कोइंसिडेंट ना ये सब एक षड्यंत्र प्री प्लांड होता ये सब वर्तमान चित्र धीरे धीरे सामना को आसूची। आम वर्तमान जो रही बापा माँ पाखे रही चु ममिता मेहन बापा माँ निखोज जो रही बापा माँ पाखे सीधा सड़क भाव जो रही पिता प्रतिक्रिया नेबा सर झियो केबे से कॉलेज रे जॉइन करी जॉइन कला कौन कही कि स्कूल बाबद रे से कॉलेज बाबद रे कौन कही कि सनशाइन झियो जेतेले जॉइन कला बीडी सरला पर से जॉइन कला पर से कॉल करथिले गोविंद साहू बीडी सरला पर से कॉल करथिले कॉल कला पर झियोटा जाइछि सेही दिन टू काम किछि दिन करिछि तापरे लॉकडाउन होइछि लॉकडाउन हला पर घरे आसिक रहितिला तापरे ता मा पा कहितिला से गोविंद साहू रो कैरेक्टरटा खराब झियो मान को प्रति अन्याय करूछि किंतु सेही कथा सेतिक रे स्टॉप रहि जाइतिला झियो जीबिनी कहुतिला तापरे जेते बेले दे मास आगरु गोविंद साहू निजे घर को आसला आम घर को झियो को बहुत प्रलोभन देखेला तापरे से कथा बाता करी कि झियो को प्रलोभन देखेले बोली जो कहउचंती कोन प्रलोभन देखउतिले झियो को जिंस को अपोज करउतिले आ गोविंद साहू कहा को प्रलोभन कहा को करउतिले को जिंस प्रलोभन झियो को करथिला मते मध्य करथिला गोटे कोन कहि के प्रलोभन करथिले से झियोर बाहा जेते बेले करबो मते इनभाइट कर किसी हेल्प करी सामान किसी देवी से प्रोब्लम मत कहीं से प्रलोभन कहीं कहीं से कथा तो ये आज जानूचु जे कि मिस करूला झील मान प्रति अन्याय अत्याचार कर गोविंद साहू तापर से जो मंत्री आम होम मिनिस्टर ताकू किसी हेल्प करूले आओ जिते बिल मिसिंग कथा आम जान लु तापर केस टे कलु ता आगरु दिन आम ता पाखकू जाइलु
से किसी कहला झी आसी न आसी ये सब कि झील न आसी कहीकि आमको दुदिन ये करदेल तापर आम धीरे धीरे जाणलु शत्रुपा गोटे कथा पचारंतु ममिता बापा को जे एटी अभियोग आसुची जे बाराकरु खसीगला गोविंद साहू ये प्रकृतर से खसीगला ना जाणीशुणी खसई दिया गला जो कथा आसुची कैप्टन दिव्या शंकर मिश्र गृह राष्ट्रमंत्री एवं को इनसीडेन्स देखु थानू फेरार है बिजुली कटिगला अंधार है बिजुली विभाग शक्ति विभाग मंत्री सीए गृह विभाग मंत्री भी सीए अर्थात तांकरी विभाग बिजुली काटुची तांकरी विभाग पुलिस छाड़ी दौची तो एथिरे तांको बापा कौन कहउचंती जे प्रकृतरे तांकु सुरक्षा दौचंती कि कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र गोविंद साहू को एवं तांकरी इशारा रे पुलिस गोविंद साहू को खसाई दैछि कि जो कथा अभियोग आसुची सी कौन कहउचंती निहाती भाव रे सर देखो तो जेते बेले गत काली गोविंद साहू फेरार हो जाइछंती सेही समय रे विद्युत काट हिची अन्यपटे जिते बड़े से फेरार हो जाइछंती आपण माने ता पूर्वरु सिंधेकेला थाना रे एफआईआर देथिले सिंधेकेला थाना रे 8 तारीख देथिले सिंधेकेला रु टिटलागढ़ को काहे कि गोविंद गले तांको जिते बड़े से फेरार हो गले आमे नाकाबंदी चु करिचु बोली पुलिस विभाग कहिला तो लागुचि कि एथिरे मंत्री को कोन संपृक्ति रहिचि सीधासळक रहिचि कि गोविंद साहू को से सपोर्ट करथले एमति किछि रहिचि कि या विषय रे केबे ममिता आपण किछि कहिछंति कि हां देखो तो आमे तो जेतले झियो मिसिंग हला 13 तारीख रे कंप्लेन कलु थाना रे तापर से टिल्लागढ़ नहीं कह जानलु मंत्री को हाथ निश्चय थाई पारे कहीं से झियो कहे आगरु जे कॉलेज को मंत्री आसंती को मंत्री आसंती केते बेले आसा होम मिनिस्टर टा आसंती आ मासे दि मास थरे आसंती गोविंद साहू सांगे बसा उठा ता खाना पीना मध्य करंती आ झियो टॉर्चर करिबाटा गोविंद साहू रो पूरा ए थिला झियो के आम झियो मन कर पाखरु जा जानी तो आम तो निजे देखि नतिलु कि झियो आम कहु नतिला किंतु गोविंद साहू जो फेरार अछि ता आम होम मिनिस्टर चापरे ही फेरार करा जाइछि काहीं कि से जो थिला से तिरे तो अनेक सिक्युरिटी अछंती जक्सन टिल्लागटा जक्सन अनेक पुलिस ताकु एनकाउंटर कर पार थांते ताकु सूट कर पार थांते उनटारु तलक सूट कर पार थांते किंतु से मध्य हलानी से केमिति चली गला ना हेलीकॉप्टर लागितिला मंत्री को से उड़ी उड़ी पले गला ना कोन हम तो जानिनु विभाग कहुची पुलिस कोची हमें नाकाबंदी करथिलु सेया तो से मंत्री रो कोन हेलीकॉप्टर आसीति लागे से चली गला जदि साधा चली जीव जने 52 वर्षीय वृद्ध जने चली जीव ताकु एनकाउंटर करि हबो नि कि ये सांघातिक अभियोग आणुछंती ममिता बापा जे केमिति भावरे से फेरार होइगला पुलिस केमिति जलका होइ रहिगला जणे व्यक्ति फेरार हो जाउछि पुलिस बाराक भितरु एवं पुलिस किछि करि पारुनि एबे लोकदक्षिणे भावरे कह जाउछि जे आमे नाका करछु एवं सीधा सड़क भावरे से अभियोग करुछंती जे गृह राष्ट्र मंत्रीकर एथिरे संपृक्ति रहिछि गोविंद साहू को खसै पारे से खसिले ताकु खसई दिया जाइछि प्री प्लान करा जाय एक कथा अभियोग करुछंती ममिता मेहर का बापा आम प्रतिनिधि तरुण साहू मध्य पाखर अछंती ममिता का भाई तरुण ये जिते बड़े सांघातिक अभियोग आसुची जे केलेंकारी थिला गोविंद साहूर झियो मानक सहित असद व्यवहार करुथुला सेटी झियो मानकु धरी धंदा करुथुला जहार पर्दाफाश करदेबे बोली कहिले ममिता एवं सेथि पाई कि तांको रास्ता रु हटेबा पाई ये गोविंद साहूर प्लान थिला कि एवं पुलिस एवं जहाँ सब करुची जहाँ कहुची से सब केवल नाटकबाजी एक कथा अभियोग करुछंती ममिता बापा तांका भाई कौन कहुछंती ए प्रसंगे निहाती देखंतु शक्तिशाही जेभली भाबरे अभियोग हला जेतेबेले ममिता मेहर सत देखी देथिले एवं सत उन्मोचन करबी बोली जेतेबेले से धमक दउथिले
ठीक से बेले दुई दिन पूर्व हिं अपहरण योजना रचिते और गोविंद साहू सफल होते जे ममिता मेहर को अपहरण करिवारे से सफल होते कि वर्तमान पुलिस पाखे जेहेतु पुलिस हेफाजत थी जड़े अभियुक्त किभली चंपट मारूची एत वयस्क लोक किभली चंपट मारूची ममिता बापा जो अभोग आणुंट आम सीधासल भाई प्रतिज्ञा ना जे जड़े अभियुक्त थाना भितर चंपट मारूची और से विभाग पुलिस विभाग मंत्री जी कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र शक्ति विभाग मंत्री दिव्यशंकर मिश्र जितेबाला कोविड परीक्षा आल हॉस्पिटल को निया जाते चंपट मारूँ और बिजुली कटि जापण कौन कहे ए तो कौन द्विमत नाई सार प्योरली प्रशासन अवहेला जड़े पुलिस हेफाजत तीन चार दिन रही से जो पल पारे आम कौन भाव प्योरली पुलिस ही विदा कर हाँ एतिर तो नो आम क्लीयर ना कि पब्लिक जहाँ कहते निश्चित भाव में कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र ही हाथ अच्छी डर में ये सब प्रशासन ढिला प्योरली छाड़ देते कथा जितेबाला अभियोग आसूँ 366 दफा लगी जहाँ को कि 24 घंटा भितर पुलिस कोर्ट फरवर्ड करने कथा गिरफ्त करने कथा कहीं टिटलागड़ थाना रखी था आपड़ एफआईआर देखते सिंधेकेला थाना टिटलागड़ थाना को पुलिस नौला कहीं ये प्रश्न आपण मनरे आसूँ कि नहीं क्योंटी ना क्योंटी ये घटना को बा ये जो अपहरण घटना जी रचि गोविंद साहू को खसईवाई पुलिस गोटे योजना करुच्ची आप भाव कि नहीं नहीं पूर्व तो जनापड़ ना सर कि आज आम जो देख लु प्रेजेन्टली से छाड़ी देखा निश्चित भाव में गोटे षड़ बोले आम मन करुँ कह एसपी तीन जन तलिया कर्मचारी को निलंबन कर एम निलंबन आम कौन लगे सर आम को केवल आमको झील दरकार जी निलंबन आम कौन पर लाभ ना आमको गोटे न लाभ अच्छी पर कि आमको झील दरकार गोविंद साहू कहीं आपण भौणी को अपहरण कर अपहरण कर उद्देश्य सर तार सांगसाथी बा स्कूल रो किसी तार जो मैंने मम्मी सहित ममता ममिता सहित भल संपर्क थिला से मैंने कहार हिसाब से गोविंद साहू किसी तार ये तार पाखरे ये थिला प्रमाणपत्र जोटा कि गोविंद साहू को तो से ममिता से अपहरण करने रास्तार हटेदेला एक अभियोग कर ममिता भाई आप शुणुले मु पुणि थे फिर भी सतरूप आपको बापा माँ आपण पाखे अच्छा झील को 11 दिन है झील निखोज एवं आज पर्यंत पुलिस हाथ बांधि बसी अभियुक्त को खसई दौर बापा कहते जे ये जाणीशु खसई दि जाइए माँ का प्रतिक्रिया नियंतु सीए कौन अनुभव कर 11 दिन है झील फेरी झील पाखे झील जीवन संकट अच्छी झील किसी खुलासा कर गोविंद साहू को जेहेतु चैलेंज देता से अपहरण करागला से ममिता निखोज अच्छा ए कथा सी अनुभव करुंट कि कौन कहते माँ का प्रतिक्रिया भी नियंतु निहाति भाव में शक्ति माँ सागर अच्छा ममिता ममिता माँ अच्छा ममिता माँ आम सहित जोड़ देखिपे से कथा कहार ठीक से संभवपर हो पारुनी मैडम कहीपरिबे कि एते दिन धरिकी जेतेबेले ममिता जेतेबेले सेठी काम करूथले आज पुणी फेरा जेतेबेले निखोज ही गले आज पुणी अभियोग जहाँ को करा जाउथला अभियुक्त तो फेरार हो जाइथिबार घटना आसी ममिता केबे ए विषय रे आपण किछि कहिछन्ते कि स्कूल रे कोन चालुथला काहे कि तांकु डक्का जाइथला स्कूल को किछि से किछि कहिनि मखे से डाकिथिले जेने गोविंद साहू डाकिथिला स्कूल रे रहबा पई डाकिला पहला ता मा हार्ट पेशेंट किछि जणे नै मखे से तो एबे दुई वर्ष रहला एबे से दुई वर्ष जेतेबेले घरे रही थिले आपण को पाखरे ममिता केबे किछि कहिछन्ती कि कोन स्कूल रे असुविधा रही छी काहे कि तांको टॉर्चर करा जाउतला कोन किछि भी कहिछन्ती आपण को किछि कहिनि आज्ञा मते किछि कहिनि मो कॉलेज छाड़ी देबी मोहाली कॉलेज के आर नहीं जाए मते भल लागुनी मोहाली कॉलेज रे आर मोहाली कॉलेज के आर मु नहीं जाए कहीं जेते बेले ममिता कहुथले मु कॉलेज को जिबिनी कॉलेज रे अध्यापना छाड़ी देबी ए जेते बेले कहुथले आपन केबे पचारी चंती काहे कि अध्यापना पचारी ली मु जे नाही तो जा नाही जा आर तू जानले का करबो मुई तो नाही जा
ବୋଲେ ମୁଇଁ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସନ୍ଦେହ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ କହିନି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିବି ହିସାବରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ? ମା ହି ପାଶରେ ମୁଁ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିନି, ମୋତେ ସେ କିଛି ଜଣେଇନି, ଜଣାଇଲେ ତ ଜାଣିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି, ଏ କଥା ସିଧାସଳଖ ବାପା ମା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏ ସହି ନେଇ ପାରି। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ତ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା, ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ହେଉଥିଲା? କିଛି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ରେପ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଟା ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା, ସେ ଅନେକ ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଛି, ଅନେକ ଝିଅଙ୍କର ଖବର ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବେ ଆମ ଝିଅ ମିସିଂ ହେଲା ପରେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଖବର କରିଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି। କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲେନି, ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆସିପାରିବ ସାମ୍ନାକୁ? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେବୁର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି? ଏବେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ମିସିଂ ହେଲା ତାପରେ ସେ ତାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନୁ ନିର୍ଯାତନା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ? ବାପା ସାମ୍ନାରେ କହିବ କି? ସେଇଟା କହିପାରୁନି ସେମାନେ, ମାଆଙ୍କୁ ତ କହୁଥିବେ, ମା ତ ଖବର ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମମିତା ତା ନିଜ ମାଆକୁ କହିନି, ତ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ କାନରେ ଯେତେ ବାଜିଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବୁ ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଝିଅମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଗୋଟେ କଥା ଶତ୍ରୁପା ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର? ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ। ପୋଲିସ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଏବଂ ତନାଘନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଧରିପାରିବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଧରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭରସା ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଫେରାର କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ସେଟା ପ୍ରକୃତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିଁ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଫେରାର କରାଇଦେଲା, ଏବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯଦି ପୋଲିସ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? କେମିତି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? କେମିତି ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ପରିବାର ଲୋକେ? କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ? ଶତ୍ରୁପା ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଝିଅ ହଜିଯାଇଛି, ଝିଅ ନିଖୋଜର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖୋଜ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମମିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କି କଲେଜରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନିର୍ଯାତନାର ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ତା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାପ ରହିଛି ଏବଂ ଚାପ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫେରାର କରାଇଦେଇଛି, ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା, ଯାହା ମମିତା ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଥିଲା ମିଟିଂ ନାଁରେ ମମିତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କହି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର କରାଇଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେବା, ୟା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି
गृह राष्ट्र मंत्री ये कि प्रकार बहाना नौ टिटलागड़ पुलिस आम कोविड टेस्ट करने नौलु से फेरार हो गले पुलिस बाराक्रु पुलिस सिक्यूरीटी भितर फेरार होजे तीन दिन पर्यंत कहीं अटक रखा जाता कहीं चौबीस घंटा पर भर कोर्ट फरवर्ड कराला गिरफ्त कर प्रश्न उठू तेणु ये सन्देह उपजुच्छे जे पुलिस जाणीशु कि गोविंद साहू को फसाई देनी तो गृह राष्ट्र मंत्री भूमिका ये बदय हो परिवार लोके सीधा सड़क अभियोग आणुंट तो समय होइछि बिग ब्रेकिंग न्यूज को ये रखा नमस्कार।